परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय चौबीसों तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव आचार्य भगवान तपसी जी मार साहब माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। यहाँ पर विराजित महासाध्वी पूज्य श्री किरण प्रभा जी मार साहब के चरणों में भी हमारी वंदनाएँ अर्पित हो। अन्य सहयोगी सतीमंडल उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, पर्व पर्युषण के इस पवित्र माहौल में हमें कुछ चिंतन करना है कि हम चर्चा कौन सी करें, चर्चा किस बात की करें। इस बात के लिए हमारे 18 पाप का जो विषय चल रहा था उसके अंदर आया है पर परिवाद और रति अरति। पर परिवाद दूसरों की पंचायत, पर परिवार और रति अरति मतलब चोखो वाइट ओ चोखो ओ वाइट ओ चोखो ओ वाइट। इस तरह से हम रति अरति करते रहते हैं। भगवानों हमारे ज्ञानियों ने कहा है सबसे बढ़िया चर्चा कौन सी है, उत्तमाध्यात्म चर्चा मोह चर्चा च मध्यमा अधमा काम चर्चा च पर चर्चा धमा धमा। सबसे श्रेष्ठ चर्चा कौन सी है, आध्यात्मिक चर्चा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा यानी क्या, आत्मा कैसी होती है, आत्मा किस तरह से घूमती है आदि सारी बातों की चर्चा, ये उत्तम चर्चा है। दूसरी चर्चा है मोह चर्चा, परिवार की चर्चा, बेटा बेटी पोता पोती इस प्रकार की चर्चा, वो मध्यम चर्चा है। और विषय वासना की चर्चा, लड़का लड़की की चर्चा, ये कौन सी है, अधम चर्चा है। और उसके साथ पर चर्चा औरों की पंचायत करना उसको कहते हैं अधमा अधम। इस तरह से चार विभाग चर्चा के हमारे शास्त्रों में आते हैं। भगवानों हमें भी चर्चा कैसी करनी चाहिए ये सोचते हुए उसके लिए पुण्य कौन सा है, काया पुण्य। तो किस तरह से हम काया पुण्य की आराधना करें और कैसी चर्चा हम छोड़े इस बात पर सब माल खरीदो पाप है 1516 इन दोषों से बचे अगर तो टलता पाप का शोला हो सब माल खरीदो कृष्णानंदन की बोलो सगड़ा शेवट पर्यंत सब माल खरीदो कृष्णानंदन की खुली दुकान है। हमारे यहाँ चर्चा के चार विषय होते हैं, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा। ये चार कथा ज्ञानियों ने कहा तेरे आत्मा का इसमें कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं। स्त्री चर्चा करते हैं, स्त्री के लिए पता नहीं ऐसी उम्र आ जाती है कि आदमी के रसायन बदल जाते हैं और इधर उधर झांकने लगता है। एक युवक बम्बई में गया और वहाँ पर दुकान लगी हुई थी, यहाँ सुंदर स्त्री मिलती है, यहाँ सुंदर पत्नी मिलती है। उसको लगा अपन तो 30 साल के हो गए अभी तक पत्नी का ठिकाना नहीं, यहाँ मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। वो अंदर गया, दरवाज़ा खोल के वहाँ लिखा हुआ था बड़ी उम्र वाली और छोटी उम्र वाली, दो बोर्ड लगे हुए थे, बड़ी उम्र वाली और छोटी उम्र वाली। अब ये तो युवक ही था, इसने छोटी उम्र वाली का ढकना दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो लिखा हुआ था सुंदर और कुरूप। अब कौन कुरूप लड़की को पसंद करेगा। उसने सुंदर का दरवाज़ा खोला,
उसके आगे और दरवाजा था, उस दरवाजा के अंदर लिखा हुआ था कि जॉब करने वाली और जॉब नहीं करने वाली। इसको जो अच्छा लगा वो दरवाज़ा इसने भी खोला, और आखिरी दरवाज़ा था उस पर लिखा था दहेज देने वाली और दहेज नहीं देने वाली। और दहेज लेना तो पसंद ही आता है लोगों को, दहेज वाला दरवाज़ा उसने खोल दिया तो आके इतना बड़ा दर्पण आईना लगा हुआ था, आईने पे लिखा हुआ था पहले अपना चेहरा देखो और फिर बाकी बातें करो सारे, और इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। दरवाजा खोल दिया था काबस बाहर निकल जाओ, काम हो गया तुम्हारा। अरे हाथ में तो कुछ आया नहीं, सारी अच्छी अच्छी चॉइस की और नतीजा ठन ठन गोपाल। आदमी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लालायित होता है उम्र आने के बाद लड़कियों के लिए, और लड़कियां मुंह धो के बैठती है, देखने वाले आते हैं तो सजावट करके बैठती है, प्रश्नों का उत्तर देती है, एनी हाउ उसको शादी करनी होती है। चाहे शादी के बाद लड़के आके कहती मार साहब पहला मालूम हो तो मानसता पड़ा हो इन भानगढ़ में, पर पहला कहीं ध्यान में चाहो नहीं, फक तो ब्याह री हाउस आयु थी, एकदा ब्याह करने देखनो, एकदा तो ब्याह करने देखनो रहे, अन सबका बाता और में ध्यान में आई जावे भगवानों। इस तरह से काम चर्चा आदमी को पागल बना देती है, बेहोश कर देती है, बैलेंस तोड़ देती है, और न जाने कैसी कैसी घटनाएं घट जाती है। एक चर्चा होती है काम चर्चा, दूसरी होती है स्त्री कथा और भत्त कथा, खावन पीवन की बात घनी चोखी लागे। आज माना आठे इतो मस्त जीवन हूँ तो मारा साहब की घर याद नहीं आई माने। इस तरह से आदमी भोजन की चर्चा में बहुत इंटरेस्ट लेता है, कितनी बार खाना खा लिया है, हजारों रोटियां नहीं कितनी लाखों रोटियां गले के नीचे उतार ली है, फिर भी समय आने के बाद कई खावनों है, आज कई रसोई है, आज कई बनियों है। इस तरह से आदमी न जाने क्यों भक्त कथा में बहुत ज़्यादा अपना समय पास करता है। रोटी री याद तुम्हाने बहुत पुरानी, रोटी री याद तुम्हाने खूब पुरानी, जी मणरी ममता मानी खेचली जो जी हो गुरुवर, जी मणरी ममता मानी खेचली जो जी, ज्ञानी गुरु पाए लागू वचन निभायली जो जी, हो सतगुरु पाए लागू वचन निभायली जो जी। इस प्रकार आदमी भक्त कथा में अपना कितना समय, मार्केट में जाता है हरी हरी लीलोती देखता है तो क्या मन प्रसन्न होता है, कई ताजी ताजी भाजा बाजार में आई है थाने खाओनी कितनी, अन सगड़ा मार्केट ने देखने उतारी अनुमोदना थे करो। भगवानों हमारे ज्ञानियों ने कहा कि भक्त कथा भी आत्मा का कोई फायदा देने वाली है नहीं। तीसरी कथा कौन सी कथा आदमी, देश कथा। देश कथा जापान में क्या है, चीन में क्या है, चीन में क्या निर्माण होता है, चीन वाले क्या करते हैं, अमेरिका में क्या चल रहा है, ऐसी सारी बातें लेना एक और देना दो, कुछ भी खुद कुछ करने वाले नहीं है। फिर खाली चर्चा करने के लिए टाइम पास करना, उसके लिए देश की चर्चा करता है और राजकारण की चर्चा। राजकथा तो हमारा कोई उसके अंदर खाली जाकर के एक दिन वोट देना है, इतनी बात जरूर है, बाकी हमारा कोई सक्रिय सहभाग राजकारण में होता नहीं। पर बातें कितनी करते हैं हम, किस किस नेता की बातें करते हैं, किस किस व्यक्ति की बातें करते हैं, किसकी को किसको भला कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। इस तरह से आदमी चार प्रकार की कथाओं को करता है और अपने शरीर के विषय विकारों को प्रोत्साहित करता है, शरीर के पीछे जाने वाली शक्ति को व्यर्थ में खर्च करता है। भगवानों हमें चाहिए कि हम चर्चा कौन सी करें, उत्तमाध्यात्म चर्चा सबसे बड़ी चर्चा है, आत्मा की चर्चा। आत्मा ही सत्य है, बाकी सारी बातें झूठी है, किंतु आदमी
आत्मा की बात आती है तो झोले लेने लगते हैं। ध्यान दी बात कहो कि जीव घाबरे, अंधारो दिशे करे ध्यान पूरो वे सो उजावे। इस तरह से आदमी को जो सत्य बात है वो तो पसंद आती नहीं, और बिना काम का टाइम पास करने के लिए अपनी जबान को खर्चा करते रहते हैं। भगवानों, ये भूख ये विषय विकार किसी को छूटे हुए नहीं है। और एक तरफ ज्ञानियों ने कहा है तुझे काया पुण्य की भी कमाई करनी है। अब काया पुण्य की कमाई कैसे करे? हमारे यहाँ एक दृष्टांत आता है कि अत्यंत कुरूप ऐसा लड़का था, माँ बाप जन्म के साथ ही मर गए थे उसके, दोनों माँ बाप थे नहीं, कुरूप इतना कि कुरूपता को भी शर्म आवे, इतना कुरूप था, इतना काला, तवे जैसा काला था, नाक देखो तो फैली हुई थी, दांत आगे आए हुए थे, उसके सामने देखना भी बेचैनी करता था, ऐसा कुरूप था। अच्छा कुरूप तो था, स्वभाव देखो तो इतना क्रोधी, कोई छेड़ तो ले चाहे जितना झगड़ा करने को तैयार रहता था। उसको इतनी झगड़े की आदत थी, इतनी क्रोध की आदत थी, और इतना ज़्यादा स्वभाव से अपने आप से परेशान था, पर उससे रहा ही नहीं जाता था। और ऐसे करते वो उम्र उसकी बढ़ने लग गई, उम्र बढ़ने लग गई, रसायन अंतर के बदल गए, और उसके मन में तो लड़की की बात आने लग गई। अरे मेरी शादी कौन करेगा, मेरे माँ बाप तो मर गए हैं। वो इधर उधर भटकता था बिना माँ बाप का, तो मामा को दया आई। मामा ने कहा बेटा मेरे घर में बहुत रसोई बनती है, तू यहाँ रह जा। उसको वहाँ रख लिया था, और उम्र उसकी हो गई थी, उसके मन में शादी की बातें आने लग गई थी, और मामा को कहता मामा हमारी शादी कर दो ना, मामा हमारी शादी कर दो ना। बेचारा मामा करे तो क्या करे, कोई लड़की उसके सामने देखे तो सही, कानी आँख से भी कोई लड़की उसके सामने देखने को तैयार नहीं थी, तो कौन माँ बाप अपनी लड़की उसको देंगे। वो इतना परेशान था, और दिन भर मामा को कहता मामा मारो ब्याह कर दो, मामा मेरी शादी कर दो। अब मामा क्या करते, मामा को 7 बेटियाँ थी, मामा को 7 बेटियाँ थी, तो मामा ने कहा बेटा और तो कोई लड़की तुझे देने वाला है नहीं, मेरी 7 लड़कियाँ है, उसमें से एक लड़की मैं तेरे साथ शादी कर दूंगा उसकी। और ये बातें लड़कियों ने सुनी, लड़कियाँ हमला बोलने के लिए आई, 7ों लड़कियाँ वहाँ पे आई, कहा हमको चाहे जहर दे के मार डालो, चाहे हमको फांसी लगा दो, चाहे हमें कुएं में धक्का दे दो, पर इस काले के साथ हमारी शादी मत करना, हमारी शादी इसके साथ मत करना, हम किसी भी हालत में इसके साथ शादी नहीं करने वाली है। अब मामा भी बेचारे हताश हो गए, क्या करते। इसने देखा एक तो पहली बात मेरे रहने की जगह नहीं, दूसरी बात मुझे गुस्सा इतना आता है, तीसरी बात मन में इतने विषय विकार जागृत होते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ, जीऊँ तो किस लिए जीऊँ। उसने विचार किया इसकी अपेक्षा तो मर जाना अच्छा, क्या है इसकी अपेक्षा मर जाना, भूख तो इतनी भूख लगती है, वासना तो इतनी वासना जगती है, क्रोध तो इतना क्रोध आता है, करूँ तो क्या करूँ, मर जाऊँ। और इसके लिए घर से चुपचाप निकल गया, गाँव के बाहर पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ के नीचे उसको कूदना था, पर कूदना इतना कोई आसान थोड़ी होता है, एक लट भी मरना नहीं चाहती, सर्वे जीवावी इच्छन्ति जीवुम न मरी जीवुम, कोई मरना नहीं चाहता। अब वो कूदना तो चाहता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है फिर पीछे आता है। हुआ एक कि वहाँ पर कोई संत ध्यान की साधना के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ये युवक मरना चाहता है और इसे मरा नहीं जा रहा है। ये पीछे से धीरे से उठे और उसके कंधे पे हाथ रखा, कहा बेटा मरना चाहते हो, अरे क्या हो गया, रंग काला है तो क्या हो गया, तो रूप कुरूप है तो, तुम्हारे पास पंचेंद्रिय सन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य का शरीर है और तुम्हारे पास इतनी ताकत है जवानी की, उसका अच्छा उपयोग करो, उसका अच्छा उपयोग करो, ऐसे मर के तो भूत बनते आदमी,
मरने के बाद जो आदमी जो उकता के कहते हैं कि मर जाएंगे, पर मर के भी दिल नहीं लगा तो किधर जाएंगे? वह इतने भूत होते हैं, कोई किसी को बैठने ही नहीं देता। नदी के किनारे पेड़ के ऊपर जाके बैठा कि धक्का दिया, जाके बैठा कि धक्का दिया, कोई बैठने ही नहीं देता। और कम से कम वहाँ 10,000 साल तक रहना पड़ता है। आत्महत्या करने वालों को ध्यान में रखना चाहिए, मरना बड़ा आसान है, पर मरने के बाद वे 10,000 साल निकालना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कभी भी चाहे जितना संकट आ जाए, मरने की बात तो सोचना ही नहीं, आत्महत्या की बात मन में भी लाना नहीं। भगवानों संत ने उसको समझाया, बेटा छोड़ दे ये सारी बातें, छोड़ दे इन सारी बातों को, इससे ऊपर उठ। ऊपर उठा जा सकता है, तेरी शक्ति नाभि के ऊपर चढ़ सकती है, और नाभि के ऊपर शक्ति चढ़ने के बाद तुझे अंतर का आनंद जब आएगा, तब मुझे लगेगा ये शरीर मिला कितना अच्छा हुआ, ये शरीर मेरा कितना काम में आ रहा है। अंतर का वैभव तू देखेगा, तब तुझे पता चलेगा तू तो मेरे जैसा जीवन बना ले। और महाराज साहब ने उसको क्या कर दी, वो भी मरता क्या न करता, मरना ही था, तुम्हारे साहब कहे ऐसा करे, और उसने किया और कहा कि अपने आप को तपश्चर्या में लगा दे। वो भी ताकत वाला आदमी था, उसने कहा महाराज 2 दिन निरंकार उपवास करूँगा और पारणे में आंबिल की रसोई खाऊंगा। 2 दिन उपवास, 1 दिन पारणा आंबिल का, 2 दिन उपवास, 1 दिन पारणा आंबिल का, इस तरह से उसने तपश्चर्या चालू कर दी। और जो जो उसकी तपश्चर्या बढ़ने लग गई, अंतर के रसायन फिल्टर होने लग गए और उसके मन में सेवा के भाव जागृत हो गए। वो जाता कोई भी बीमार, कोई भी दुखी दिखे तो उसकी सेवा करता, उसकी शुश्रूषा करता, उसको कहाँ कहाँ से दवाइयाँ ला के देता और सारी उसको साता उपजाता। एक तरफ तपश्चर्या, दूसरी तरफ सेवा, दोनों बातें उसने ऐसी चलाई कि उसके विषय विकार तो कहाँ गए, उसको पता भी नहीं चला। लड़की की याद आना ही बंद हो गया उसको, लड़की की आना याद आना बंद हो गया, और रोटी का खाना भी उसका एकदम कम हो गया। और उसकी सेवा, ऐसी सेवा उसने की थी कि उसकी चर्चा देवलोक में होने लग गई। देवलोक में उसकी चर्चा होने लग गई कि अरे ऐसा धरती पे आदमी है जो इतनी तो तपश्चर्या करता है और साथ में इतना उसके अंदर सेवा भाव है, इतनी सेवा करता है, बदले में इतना सा गुस्सा नहीं करता। सेवा करना बड़ा आसान नहीं होता, एक तो सेवा करो और ऊपर से सामने वाले की डांट खाओ, ए इसको कहीं करो, ए ऐसा क्यों करा, एक तरफ वो करो। बहुत करीब बैठता है तो कहते इतना नज़दीक नहीं बैठना, दूर जाता है तो कहते अक्कल नहीं है इतनी दूर जाके बैठा, मुझे इतनी तकलीफ हुई थी। इस तरह से चारों तरफ सेवा करने वाले को सहन करना ही पड़ता है, और वो सहन करता रहा, सेवा देता रहा। और देवलोक में जब चर्चा हुई तो देवलोक के देवता को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई, इसकी परीक्षा लेके देखे, और देवताओं ने साधु का रूप ले लिया। साधु की सेवा करता था वो, साधु संतों को ढूंढ के निकालता था, उनकी सेवा करता था। इसने साधु का रूप ले लिया देवताओं ने, और एक देवता आया उसके पास, वो बेचारा बेले का पारणा कर रहा था, और कहा कि अरे क्या खाते बैठा है, वहाँ देखो कितनी मारा साहब को तकलीफ है, कितने वो बीमार है, और जो तुम सेवा करते हो ना, देखो उनको जा करके। जाके देखा तो पूरी शरीर की गंदगी चारों तरफ फैली हुई थी, कपड़े सारे भरे हुए थे, और इसने तो पूरा पारणा भी नहीं किया, आंबिल का तो पारणा करता था वो भी पूरा नहीं किया, और सेवा में लग गया। कहीं से पानी लेके आया गरम, पूरी सफाई करी और जैसे तैसे उनको साफ किया, और कहा कि यहाँ बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह है, अच्छी जगह में लेके चल। उसने महाराज साहब को कंधे पे उठाया, खंधे पे उठाया और चलने लग गया तो खंधा उनका खराब हो गया, उनको दस्त हो गया। खंधे पे बैठे महाराज साहब ने, देवता ही थे, उनको नाटक ही करना था, खंधे पे दस्त हो गया, पूरा शरीर भर गया, इतनी बदबू हो गई, और ऊपर से महाराज साहब कहते अरे अच्छा नहीं चला जाता क्या, अंधा है क्या, देख कितना जोरदार धक्का लगा मुझे। महाराज साहब माफ़ करो, माफ़ करो, अभी अभी अच्छा रास्ता आएगा तो मैं संभाल के चलूँगा। इस तरह से समता का धारण करता हुआ वे अच्छे स्थान पे पहुँचे, और वहाँ जाकर उनको बैठाया नहीं कि गंदगी वापिस शुरू।
और गंदगी शुरू, और दूसरी तरफ कहते हैं भूख बहुत लगी है, खाने का भी कुछ चाहिए। एक तरफ गंदगी साफ करो, दूसरी तरफ उनको भिक्षा ला के दो, गोचरी ला के दो, दोनों तरफ से उसकी परेशानी। पर क्या मजाल कि इनके मन में नंदीसेन इसका नाम रखा था। मार साहब ने क्या नाम रखा था? नंदीसेन। और ये नंदीसेन काम में ऐसा लग गया था कि काम का औषध ही काम होता है, काम का औषध काम होता है। गुजराती में कहते काम नो औषध काम, काम का औषध काम होता है। जिसका मन काम में लगा रहता है उसको बाकी की बातें करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अपने काम से ही ऊपर नहीं उठते तो दूसरी बातें कहाँ करेंगे। इसका तो कहाँ काम विकार चला गया, पता नहीं लगा। और इतनी समता उसके अंदर आ गई थी, महाराज साहब की पूरी सफाई करी और भिक्षा लेने के लिए निकला था। अब भी महाराज साहब गाँव में जाता हूँ और जो कुछ मिलेगा वो लेकर आपके लिए लाता हूँ और आपका पेट भरता हूँ। तब तक तो देवता प्रकट हो गए, कहते धन्य है तुम्हें, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, पर तुमने तो 100% नंबर मिलाए हैं। इतनी सेवा करी तुमने, इतनी गंदगी साफ करी, वहाँ की गंदगी साफ करी, वापस यहाँ आने पर वापस पानी लाना और इतनी गंदगी साफ करना, इतना काम किया, और फिर गोचरी लाने की जहाँ भावना भी तुमने रखी, धन्य है तुम्हें। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। एकदम से देवताओं ने उनको नमस्कार किया, देव वावितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो। देवता भी नमस्कार करते हैं जो सच्चा धार्मिक होता है उसको। और इस तरह से नंदीसेन, ये नंदीसेन का जीव आगे चलकर कौन बने? कृष्ण वासुदेव के पिता, कृष्ण महाराज के पिता, उनका नाम क्या था? वसुदेव। वसुदेव ये बने, इनका पहला जन्म है ये। कृष्ण के पिता का पहला जन्म ये है नंदीसेन के रूप में। उन्होंने ऐसी तो तपस्या की कि भूख को बाजू में रख दिया। हमारे यहाँ देखो कितने तपस्वी बैठे हैं। पहला दिन भूख लगी, दूसरा दिन मड़मड़ हुई, तीसरा दिन घनी ज़्यादा भूख लगी, चौथा दिन रूटीन में आएगा, चौथे दिन से ईजी तपस्या होने लग गई। लगातार हमारे वहाँ पचकान करने के लिए बच्चे आ रहे हैं, ये जवान बच्चे तपस्या कर रहे हैं। इसका तो पीछा करो तो बहुत पीछा होता है, और नहीं करो तो ये शांत हो जाती है। ये लालीबाई भी चुप बैठ जाती है कि अबे कहीं देवे को नहीं, ये जाऊँ दे गप बैठो आबे, वो भी गप हो जाती है। भगवानों हमें चाहिए, नंदीसेन ने मारा साहब की संगत मिली, सत्संगति मिली, और मारा साहब ने हत्या करते हुए, आत्महत्या करते हुए उसको बचाया और लाइन बता दी। ऐसी लाइन लगी, ऐसी लाइन लगी कि आगे चलकर कृष्ण महाराज के पिता बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। भगवानों काया पुण्य कहा है, काया से सेवा करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अपने घर के अंदर जितने लोग हैं, आप बड़े लोग हो और नर्स बुला लेते हो और नर्स उनकी सेवा करती है, नहीं, हम सेवा करेंगे। हम अपने घर के घर वालों की सेवा हम करेंगे, अपने दादी साहब की सेवा हम करेंगे। हमारे दादा साहब बूढ़े हैं तो उनको चला के हम ले जाएंगे, उनको दवा हम देंगे, उनके कपड़े हम बदलेंगे, उनका स्पंज हम करेंगे। खुद तपस्या करो, फालतू की बातों में क्या पड़ा है? फालतू की बातें करना, खाने पीने की बातें करना, काम विकार की बातें करना, राज दरबार की बातें करना, देश विदेश की बातें करना, इससे हमारा कुछ भी बटता नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता है। मिलता है किसे? आत्मा का धन, जो प्राप्त करने के लिए तप जप और संयम में अपनी शक्ति को खर्च करता है, उसको ये सारी बातें मिलती है। कुछ लोग हैं जो मोह की चर्चा में ही अपने आप को सार्थक समझते। मार साहब सगड़ो राम राजी है, पड़ पोता भी परनिजगा है, पड़ पोता पोत्या भी परनिजगी है, जवाई आएगा है, घर में सगड़ो आनंद, थने कई मिलो, ये सारा बाहर का हुआ, तेरा क्या हुआ? तेरे शरीर में आत्मा है और उस आत्मा को वापिस भव भ्रमण ना करना पड़े, कहीं ना कहीं न जाना पड़े, कहीं ना कहीं जन्म ना लेना पड़े। ये सुअर, ये डुक्कर हमको देखना भी अच्छा नहीं लगता, पर ये कभी आदमी था, किंतु अपना उपयोग फालतू की बातों में खर्च कर दिया और मर के कौन बना?
तिरंच बना कपट कावे किए मारा घरा सात पीढ़ी ने खूटी तो पूरी इतो पैसो कमाऊ उसके लिए कपट कावे किए और मर के कहाँ बने जानवर बन गए। जिनकी हमको दुगुंछा आती है जिनकी हमको देख करके भी घबराहट होती है उस सुअर को भी कहो कि तुझे मरना है क्या, वो भी क्या कहता है मरने को तैयार है। सुअर भी मरने को तैयार नहीं है। जो तो अपुल्या जागी जखड़े नजर न धावे तटा पलीकड़े उंबरातले किड़े मकोड़े उंबरी करी ती लीला उंबरी करी ती लीला जग हे बंदी शाला जग हे बंदी शाला कुणी न ये थे भला चांगला जो तो पथ चुकलेला जग हे बंदी शाला जग हे बंदी शाला। इस तरह से हर आदमी की कोई न कोई गलती है ही। आदमी अपने आप से ही बहुत परेशान है और परेशान करेंगे वो बात अलग है। अपने आप से आदमी बहुत परेशान है अपने विषय विकारों से अपने भूख प्यास से खुद आदमी परेशान है। भगवानों एक बार अंतर की शक्ति ऊपर उठने लग जाए तो न जाने भूख कहाँ 9-2-11 हो जाती है। विषय वासना कहाँ चली गई पता तक नहीं लगता। अपने आप प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट जो प्रैक्टिस जिस चीज़ की प्रैक्टिस करो उसकी परफेक्टनेस उसको आने लगती है। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने ये क्यों नहीं किया। अपने आप उसके जीवन में इन बातों की भूल पड़ जाती है। भगवानों याद रखो हमारे ज्ञानियों ने हमको कहा है उत्तमाध्यात्म चिंता मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च पर चर्चा धमा धमा। उत्तम चर्चा कौन सी है अध्यात्म की चर्चा। यहाँ आप आके बैठते हो एक एक मोक्षगामी जीव की चर्चा सुनते हो भले ही अपने जीवन से कुछ हो या ना हो अच्छा तो लगता है ना चोखू तो वाटे ना सगड़ा मार साहब आई ने बैठे किसो बरो वाटे आख्या ठरे कई करियो मार साहब ने कहीं श्रृंगार कराया है कहीं कान में नाक में हाथ में कहीं पेरिया कहीं कहीं नहीं पन तरी सुद्धा मार साहब ने देखने मस्त वाटे शास्त्र बाचे है इन विषय उच इस वाटे कई तरी कान मते पड़ रही है चोखो कान मते पड़ रही है चोखो। अच्छी बात आत्मा को अच्छी ही लगती है खाली उधर मुड़ने वाला कोई चाहिए और मुड़ने की हमारी भावना चाहिए। तो एक बार इधर मुँह कर दिया तो हर रोज नई एक शादी है हर रात नई आबादी है हर आन हंसी हर आन खुशी हर वक्त अमीरी है। बाबा अंतर की शक्ति जब जागती है तो ऐसी अमीरी अंदर में आती है कि वो बाहर की बातों में अट्रैक्ट होना ही भूल जाता है। बाहर की बातों का अट्रैक्शन ही नहीं होता है सारी बातें न जाने कब नीचे गिर गई पता तक नहीं लगा। भगवानों हमें भी चाहिए हमारा मन बातें करने को करता हो तब हमें चाहिए अपने आप को किसी काम में जोड़ ले किसी काम में लगा दे काम करना चालू कर दे। काम की औषध काम है। काम करना चालू किया कि काम विकार बाजू में सरक जाते हैं।